एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं फिजिक्स का सेट सी। फिजिक्स के सेट सी, भौतिक शास्त्र के सेट सी का जो क्वेश्चन है उसे किस तरह से सॉल्व करना है उसके कंप्लीट आंसर हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखो, आप इसी तरह से देखो, एक विशेष पैटर्न में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये पूरा एज इट इज़ जैसा लिखा है ना, बस इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, आपका राइटिंग कैसा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से लिखते हो। ठीक है, जैसे यहाँ सेक्शन अ था, खंड अ था, हम लोगों ने खंड अ कर दिया। प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर, एक का उत्तर है तो पूरा हम लोगों ने इस तरह से लिखा। ठीक है, तो देखो आपको इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते जाना है, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपका आंसर शीट और मार्क्स भी बहुत तगड़े मिलने वाले हैं बॉस आपको। ठीक है, तो देखो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम पूरे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन जो है इस वीडियो सीरीज में मैं लाया हूँ वो भी। ठीक है, जल्द से जल्द जो है छोटे छोटे वीडियो के पार्ट्स करके हम जो है आगे आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ये सेट सी है फिजिक्स का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो किस तरह का तरंगाग्र बनता है, तो गोलीय तरंगाग्र बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश की सदिश पूछा था, तो ये अदिश राशि है और इसका मात्रक पूछा था, एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको डी ब्रोगली तरंग की विशेषताएं पूछी थी, यहाँ पे आप लिख सकते हो डी ब्रोगली तरंग की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर फोर जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आपको बताना है कि एक संधि डायोड को जो है पश्च अभिनति में आप किस तरह से जोड़ सकते हो, बैटरी के साथ किस तरह से जोड़ा जाए कि वो पश्च अभिनति में हो जाए, है ना। तो आपको पता है जब पीएन संधि डायोड का जो पी सिरा है ना बैटरी के क्या होते हैं माइनस से, और जब एन सिरा जो है बैटरी के धनात्मक सिरा से जोड़ा जाता है, ठीक है, तब ये क्या होता है पश्चिमनत में होता है। तो ये बस इसी आंसर को आपको लिखना है यहाँ पे, पश्चिमनत में कैसा होता है, पश्चिमनति में कैसा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वन मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फाइव। विशुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कितना कलांतर होता है, तो 90 अंश का कलांतर होता है, ध्यान रखिएगा, पाई बाई टू और ब्रैकेट में हम लोगों ने यहाँ 90 डिग्री भी लिख दिया, 90 अंश का कलांतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट का जो है सेक्शन है वो सेक्शन बी है, जहाँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर कैसे लिखोगे, तो लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए लघु तरंग बैंड का उपयोग किया जाता है, क्यों ये पूछा था, तो क्योंकि ये जो है लघु तरंगे जो है आयनमंडल की परतों से परावर्तित हो जाती है और लंबी दूरी तक प्रसारित करने पर भी इसमें ऊर्जा ह्रास नहीं होता, एज इट इज वो तरंग पहुंचती है, यही मेन रीजन है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आंकिक प्रश्न दिया है, जहां विभव मापी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विभव प्रवणता आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले विभव प्रवणता होता क्या है, तो विभव प्रवणता बराबर विभव बटे लंबाई होता है, विभव बटे लंबाई। आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो एक सिस्टमेटिक पैटर्न, पूरा पैटर्न सिस्टमेटिक पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया है यहाँ। ठीक है, दिया है पहले लिख दियो, लंबाई दिया है और विभवांतर दिया है, विभवांतर दिए यहाँ, विभवांतर का जो है मात्रा वो थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, है ना, आप इसे सुधार लीजिएगा। तो जो छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके कॉमन सेंस में आती है ना, वो आप सुधार लेंगे ज़रूर, क्लियर है। तो ये विभवांतर में जो मात्रा है बड़ी का हो गया, वो छोटी का है। तो यहाँ पे आपको लंबाई दिया है 8 मीटर और जो है इसके बीच जो है दो सिरों के बीच का विभवांतर या विभव जो कह सकते हो कितना है, 2 वोल्ट है, याद रखिएगा, ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, ये एक स्टूडेंट ने मेरा बनाया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है इसका। ठीक है, चलो यहाँ पर 2 वोल्ट होना चाहिए, 2 वोल्ट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसीलिए वीडियो पूरा देखना कहता हूँ मैं, है ना, आप स्किप कर देते हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से जो है जो मिस्टेक रहता है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो 2 वोल्ट वहाँ पे लिखना है ना, 2 वोल्ट है। और विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र आप लगाओगे तो के इज इक्वल टू, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विभव प्रवणता को, और के इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है, वी का वैल्यू है 2 वोल्ट और कितना है एल का वैल्यू कितना है 8 मीटर, 2/8 हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे 0.25 वोल्ट पर मीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ की
प्रश्न आई होप आप सभी से बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, तो प्रकाश का वर्ण विच्छेपण पूछा था। प्रकाश का वर्ण विच्छेपण किसे कहते हैं, आप आराम से लिख सकते हो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको तीन संधारित्र दिए जो कि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिए जाते हैं, 10 माइक्रोफेराड, 15 माइक्रोफेराड और 30 माइक्रोफेराड के इनकी धारिताएँ हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो जो परिणामी धारिता है वो कितना होगा या तुल्य धारिता कितना होगा। तो श्रेणी क्रम की बात करते हैं हम लोग, वो भी संधारित्र के लिए, तो ये फॉर्मूला लगता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 C1 C2 C3 गिवेन है आपको। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे जब लघुत्तम लेकर के, तो 1/5 आएगा। 1/C = 1/5 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफेराड जो है इसका क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्लियर हुआ कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जहाँ प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यहाँ पे भी मिस्टेक है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखना है, तो ये आपको यहाँ अंतर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको अंतर लिखना है, दो अंतर आप लिख दोगे, 2 मार्क्स का है। तो ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम, ये मात्रा वर्तनी में जो यहाँ पे अशुद्धि हो रही है उसे आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा, है ना। अभी आंसर लिखते लिखते क्या है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, काफ़ी जो है आपके लिए फास्ट जो है आंसर लिखा जा रहा है, तो कुछ ऐसे मिस्टेक सामने आ रहे हैं। खैर, मैं उसको सुधरवा दे रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जो मात्रा का प्रॉब्लम है ना, वो आप ज़रूर सुधार लेना, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने कहता हूँ मैं। तो देखो, ये पूरा 10 तक के क्वेश्चन है, आपको 10 तक का क्वेश्चन का आंसर पूरा मिल गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट आंसर है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को तो दबाना ही है भैया, बेल आइकन दबाए बिना आप जाना नहीं है। ठीक है, तो शेयर भी करना है, और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शेयर करके ही जाना और बेल आइकन को प्रेस करना, और जो है आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे जो है इसी के सीरीज़ जो चल रहे हैं यहाँ पे, ये सेट सी है, सेट सी के आगे के क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसके अलावा मैं सेट ए और सेट बी वाले भी जो हैं वो नाराज़ नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे मुझसे, सेट ए और सेट बी के भी क्वेश्चन जो है आपको उसका सोल्यूशन मिलने वाला है जल्द, है ना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी अभी तक सोल्यूशन मिले, हिंदी, इंग्लिश, गणित, जितने भी सब्जेक्ट के सोल्यूशन कम्प्लीट हो चुके हैं, वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप डायरेक्ट क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हो। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए सिलेबस के सॉल्यूशन के साथ, और चलो ठीक है।